नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। आज तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को अनएम्प्लॉय स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स है ग्रुप वन मेंस का, वो लोग वहाँ पे जाकर रेवंत रेड्डी सरकार से, रेवंत रेड्डी से जिसे बात करने चाहते थे, क्योंकि वो लोग जीवो नंबर 29 अगेनेस्ट कोर्ट गए हुए हैं। उसका वर्डिक्ट 21 अक्टूबर यानी आने वाले मंडे को 11 AM को DY चंद्रचूड़ जी सुनने वाले हैं। क्या है जीवो नंबर 28 बोले तो, ये रिजर्वेशन बेस है। ये स्टूडेंट्स मांग रहे हैं कि जीवो नंबर 55, क्योंकि ये सारा जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आया वो पुराना KCR सरकार में दिया, सो उसको बदल कर न्यू नोटिफिकेशन दिया। यही सेम, ये इतने ही इस नोटिफिकेशन में कितना जॉब्स है, उतने ही जॉब के लिए ये स्टूडेंट्स, तीन तेलंगाना स्टूडेंट्स 3 बार प्रीलिम्स लिखे हैं। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम है मेन एग्जाम्स तेलंगाना स्टेट फॉर्म करने के बाद। एक्चुअली स्टेट बनी है जॉब्स, रिक्रूटमेंट्स, वाटर रिसोर्सेस के लिए, मगर एक सिंपल ग्रुप वन मेन एग्जाम कंडक्ट करना, ग्रुप वन एक नोटिफिकेशन को सेटिस्फैक्टरी स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स कर देना, उसको कंडक्ट करना ही नहीं आ रहा, तो ये स्टेट फेलियर है या इसके पीछे किसी का हाथ है, ये देखेंगे इस वीडियो में। वॉट इज जीवो नंबर 29 एंड वर्सेज जीवो नंबर 55। जीवो नंबर 29 जो रेवंत रेड्डी सरकार अब ग्रुप वन मेन्स के लिए जब नोटिफिकेशन आया तो उसमें ये इंट्रोड्यूस किया, तो ये स्टूडेंट्स अब तक खामोश रहे। जब तक मेंस एग्जाम्स अभी नेक्स्ट वीक में है, तो लास्ट वीक ये लोग जाकर इसको, इसके अगेंस्ट केस डाल रहे। तो ऐसे स्टूडेंट्स में बटा हुआ भी है कि एक स्टूडेंट्स चाहते हैं कि अब तक 3 बार सेम नोटिफिकेशन, सेम नंबर ऑफ जॉब्स के लिए हम लोग कितने दिन, कितने साल अशोक नगर इंस्टीट्यूट में पढ़कर वहां पे होटल में रूम्स में रखकर हम लोग मेस का खाना खाते हुए कब तक ऐसा एग्जाम्स के लिए स्टडी करते रहे। कोई भी जीवो हो, एग्जाम तो कंडक्ट करने के लिए कुछ थोड़े स्टूडेंट्स बोल रहे। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटेरिएट के आकर, उनके साथ BRS बीजेपी जोड़ गई, मगर जीवो नंबर 29 ये बोलती है जो मोदी जी ने EWS रिजर्वेशन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन है, उनमें से अगर कोई मेरिट है तो, अगर लास्ट वक्त अगर ये मेरिट लिस्ट जो, क्योंकि रिजर्वेशन ये देखती है कि एक पोस्ट के लिए 50:1 रेशियो में जनता आया कि नहीं, उसके बाद उसमें से मेरिट लिस्ट निकाला जाए, वो है रिजर्वेशन। मगर ये लोग कह रहे हैं, थोड़े स्टूडेंट्स लोग चाहते हैं कि रिजर्वेशन के बाद में देखे जाएंगे, पहले एग्जाम कंडक्ट करें, क्योंकि उनका भी लाइफ है कितने साल तक, क्योंकि ऑलरेडी 3 बार फेल हो चुका है न्यूली फॉर्म्ड तेलंगाना स्टेट, जो जॉब्स के लिए, रिसोर्सेस के लिए और वाटर के लिए जो फॉर्म हुआ है स्टेट, उसको अगेनेस्ट जा रही है एक नोटिफिकेशन। पब्लिक सर्विस कमीशन भी गलती करती है बायोमेट्रिक्स लेने में, ऐसा मैं पहली बार सारे इंडिया ने देखा होगा, वो है तेलंगाना पब्लिक सर्विस इतना फेल है KCR के टाइम पे, उतना फेल कहीं पे भी नहीं देखा होगा। जॉब स्कैम हुआ होगा, मगर पब्लिक सर्विस कमीशन इज फेल हो गया ऐसा हमने नहीं देखा, ये तेलंगाना में हो रहा है। तो थोड़े स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स बोल रहे हैं एग्जाम्स किसी भी तरह कंडक्ट करो, अब यही होने वाला है। मगर जो स्टूडेंट्स लास्ट मिनट में हाई कोर्ट गया था, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट अपील करे कि रिजर्वेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन टू एंड ऑफ एग्जामिनेशन को कंसिडर करना है। रेवंत रेड्डी सरकार करती है EWC EWS सेक्शन से कुछ लोग आए तो ये SC ST OBC के लिए प्रॉब्लम होगा। ये क्या है, कितने दिन तक ये SC ST OBC के रिजर्वेशन पर गवर्नमेंट चलेगी? कोचिंग सेंटर्स में केवल SC ST OBC स्टूडेंट्स इतना ज्यादा है कि हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते। इतने लोग कैसे आ रहे हैं गांवों से निकल कर, रहे ये लोग कोचिंग सेंटर में क्या पढ़ा रहे? अगेनेस्ट भारत, कभी भी रिजर्वेशन नहीं जाना चाहिए,
कैसे भी करके हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जॉब पाना है। एक बार जॉब आया तो ये लोग लाखों डिग्री इनको पढ़ा रहे, एक बार जॉब आ गया तो तुम एफिशिएंट से काम करो या ना करो तुमको जस्ट केवल सस्पेंड करता है, क्योंकि इंडिया लॉ सस्पेंड ही कर सकती है उनको, कुछ नहीं कर सकती। ये पॉइंट पकड़कर इन लोगों को ऐसा समझाते हैं, आप एक बार जॉब ले के लिए हार्डवर्क करो, बाद में गवर्नमेंट ही तुम्हारा घर चलाएगी, तुमको कोई काम करना ही नहीं है। ए फाइनेस्ट एग्जाम्पल, मैं कल उत्तर प्रदेश में लास्ट टाइम दिल्ली राइट्स में डीजीपी को यहाँ का एसआई को क्या सीआई को कोई भी कैसे क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, कैसे टाइम पर क्या रिएक्ट होना चाहिए, ये लोग उनको मालूम ही नहीं है। मैं ही नहीं, किरण बेड़ी ही बोल रही है कि ऐसे दिल्ली पुलिस ऐसा मार खाना चाहिए, इतना चीप है आप लोगों को ऑन द टाइम क्या रिएक्ट करना नहीं आया तो कौन बचाएंगा हमको। किरण बेड़ी जी बहुत दुख हुई उस दिल्ली राइट्स में पुलिस में, उत्तर प्रदेश में जब रामचरण शर्मा वो बच्चा मरा गया है तो कल दुर्गा प्रोसेशन के लिए जो जा रहे थे जुलूस वहां पे जा रहे तो मुस्लिम एरिया में ना जाओ बोल के बोले समझाया करते। इंडिया में सेक्युलर स्टेट में ना जाओ बोल के बोलने वाला डीजीपी है ये चमचागिरी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको क्यों क्यों नॉलेज नहीं है। हर बार हिंदुओं को समझाए, अरे हिंदू पुलिस रहे तो इन लोगों को पीछे आने के लिए बोल रहा है, मगर डायरेक्ट एक्शन वो मुल्ला जो मस्जिद से अनाउंस कर रहे उनको अब तक अरेस्ट नहीं कर पाए। क्या ऑन द ग्राउंड क्या रिपोर्ट करना क्या करना है नहीं मालूम है तो कौन हमको बचाएगा। यही उसी एरिया में अगर उसका उन मुस्लिम का ही डीजीपी मुस्लिम का ना जाने कितने हिंदू मर जाते होंगे, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा। तो ये ऐसे होती है एफिशिएंसी, इनका एफिशिएंसी ना होना, मैं ही नहीं किरण बेड़ी जी सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग नरेंद्र मोदी जी को भी मालूम है, इसीलिए वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लाया। एफिशिएंसी उनका उनका स्पीड से मैच होने वाला कोई ऑफिसर्स ही नहीं मिल रहा। जब देखो उन लोगों को फाइल्स लैग में रहते हैं, वो लोग कोई भी वर्क कंप्लीट नहीं कर रहे, कोई करे तो करप्शन नहीं तो सस्पेंड। इन लोगों को रिजर्वेशन से एक बच्चा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है अगर वो मेरिट में पाया गया हो, वो मेरिट लिस्ट की तरह रिजर्वेशन को कैंसिल करके वहां पे आया तो इन लोगों को क्या तकलीफ है, क्योंकि ये लोग इतना कंपटीशन इसीलिए बढ़ गया क्योंकि एक एक घर में तीन तीन चार चार सेम घर में ये रिजर्वेशन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। सेम फैमिली को रिजर्वेशन पे रिजर्वेशन, भाई को होती है, बहन को होती है, ये मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम ओबीसी कम्युनिटी में भी सेम, बहन को टीचर जॉब, भाई को पंचायत सेक्रेटरी, कुछ ऐसे पूरे ये लोग ही एक ही फैमिली के लोग इतना जॉब्स लेकर 60 इयर्स सर्विस बोले तो ये लोग कितने दिन रहेंगे, ये कितना एफिशिएंसी से काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ये किसी को बोल नहीं सकता, इसीलिए उनके अगेंस्ट कांग्रेस ने रिजर्वेशन निकाल देंगे बोल के सक्सेसफुल हुए इलेक्शन में, उनको मेजॉरिटी नहीं आया, मगर कब तक चलेंगे। अब तक अगर ये कंपटीशन लेवल में जितना लोग ये कंपटीशन में ये कोचिंग सेंटर का माफिया, ये कोचिंग सेंटर का माफिया नहीं तो इतने लोग कंपटीशन में आ रहे मगर एफिशिएंसी लैग हो रही है, क्यों एफिशिएंसी लैग हो रही है अगर रियली इंटेलिजेंट है तो, ये प्रश्न खुद से पूछना है। इसराइल इसलिए बच गई इतना शत्रु देश होने के बावजूद ये सेकंड टाइम थर्ड टाइम अटैक्स को भी ये ऐसे इजीली करके सक्सेसफुल हुई क्योंकि मेरिट्स को वो पनाह देते हैं, कहाँ दुनिया भर से जो भी मेरिट है उनको अपना लेती है, मगर हम लोग मेरिट्स को टुकरा के ये हमारे सत्ता चले जाएंगे, रेवंत रेड्डी जी की सत्ता पर आप क्वेश्चंस पूछने लगे, ये रिजर्वेशन का जो भूत चढ़ा हुआ है उसको कैसे भी डेर करके नहीं निकाला तो आज पुलिस फेल हुई कल आर्मी फेल होगी तो हम मेरिट लिस्ट में नहीं आए तो हम क्या डिफेंस में क्या एक्सपर्टी दिखाएंगे, क्या डीआरडीओ में क्या बनाएंगे, क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो कोई ना कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ऐसा
डिसीजन लेना है कि ये डीवाई चंद्रचूड जी से मैं भी पूछ लेती हूँ, एक्सपर्ट ही नहीं दे। अगर हम अगर ये हाई कोर्ट के जॉब्स को रिक्रूटमेंट और सुप्रीम कोर्ट में रिक्रूटमेंट देखे तो हंसी आएगी। इतना इसका कोई क्या क्या बोलेंगे, ये इतना लालची में करप्शन में चले गए कि जॉब यानी पैसे दो जॉब को लाओ। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरिट्स को आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे देश 5 ट्रिलियन इकॉनमी में नहीं जाएंगे। ये लोग इसीलिए जय भीम जय भीम का नारा लगाते हैं, मगर कांग्रेस कितना भी इन मुल्ला मौलवियों को नर्चर करके सारे गेहूं का आटा से रिजर्वेशन तक दी बिन, मगर जब तक वकाफ बोर्ड आई तो उन्होंने नाम ले लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वकाफ लैंड को हड़प लिया। वो लोग 2 मिनट भी नहीं सोचे कि इससे कांग्रेस हट हुए तो हमारा रिजर्वेशन चलेगा ही, मगर हिंदुओं को हर बात पे शंक रहते है। ये कोई ये सेम कोई हिंदू नहीं बोल पाया ये, क्योंकि एससी एसटी रिजर्वेशन, ये एससी रिजर्वेशन में आने वाले ये मल्लिकार्जुन खड़गे के 2 कांग्रेसमैन आपस में ओपनली बात करते हैं, ये सेम मल्लिकार्जुन खड़गे है जो उन पर केस आने की शंक है कि क्योंकि इसके पास रेडीमेड आज के रात अगर राइट करे तो भी उनके पास 10,000 मिलियन करोड़ है, उनका रेडी कैश है, यानी हमारे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कंडक्ट करे उससे ज्यादा पैसे उनके पास है, कैश इन हैंड है, मगर कोई रेड नहीं होता, कोई बोलता नहीं। ऐसे एक एमपी के पास इतना है तो सारे एससी एमपी में कितना है, एसटी एमपी में कितना है, ओबीसी में कितना है, क्योंकि ओसी का एमपी तो कोई नहीं है। अब देश तुम ही चला रहे हो, ओसी तो निकल गए देश से बाहर, तो कौन चला रहा है देश में, ये करप्टेड लीडर चला रहे, ये जाकर मोदी जी का पांव पकड़ लेता है। यही सोर्स सेक्रेटेरिएट्स में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चल रही है, अगर उसको फाइल लिखना नहीं आया तो जाकर आईएएस का पांव पकड़ लेता, सारे एससी आईएएस के पांव पकड़ते हैं, और वो ऐसे अपना कैटेगरी देखकर वो भी ऐसी है इसीलिए वो फाइल लिखकर उसको माफ करके सस्पेंड नहीं करने के बोलता है, और उसका काम यही करता है। इसीलिए फाइल्स में देखा विकास दिव्य कीर्ति ने कैसे ऐसे एसटी होने का उनका जो मजहब था उनका आइडियोलॉजी था वो रामायण तक नहीं पढ़ पा रहे है ठीक तरह। ये कोचिंग सेंटर्स में रामायण को डिफरेंट भाष्यम में बताया, डिफरेंट थीरी इसका एक्सप्लेनेशन डिफरेंट करके इन्होंने सारे साथ से चप्पल लेकर मार दिया। ऐसा कोचिंग सेंटर्स में जो स्पेशली एससी एसटी ओबी रिजर्वेशन के लिए जो कोचिंग सेंटर्स बना जाते हैं वहां पे माफिया चल रही है। मैं बिना झिझक बोलना चाहती हूँ, ये लोग इन लोगों को क्या पढ़ाते हैं बोल रहे तो अगेंस्ट इंडिया। नेक्स्ट आप लोग एक बार आ जाओ, इन लोगों इतने सारे लोग, इतना कंपटीशन बढ़ गई है कि पेपर बनाने में भी तकलीफ हो रही है, इतना कंपटीशन, तो इतना नॉलेजेबल पर्सन इंडिया में है, इतना पॉलिटिशियंस तो एजुकेटेड नहीं है, मगर ये एससी एसटी ओबीसी में इतना एजुकेशन है तो पॉलिटिशियंस क्यों एजुकेटेड नहीं है। अब तक हम तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाना चाहिए, मगर वहां पर एक्सपीरियंस लोग भी फेल हो रहा है, क्योंकि सेक्रेटेरिएट जो भी स्टेट सेक्रेटेरिएट है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में काम नहीं हो रहा। एक कोचिंग सेंटर वाले इनको ऐसा नर्चर करते हैं कि आप लोग एक बार एग्जाम को पास हो जाए तो जैसे मल्लिकार्जुन करके उसके अपने में ऊपर केस ना आने के लिए मोदी जी को पांव पकड़ते हैं और मोदी जी उनको छोड़ देते हैं, ऐसे ही सेक्रेटेरिएट्स में काम करते हैं। जो भी एससी एसटी रिजर्वेशन कैंडिडेट है उसको फाइल लिखना नहीं आया, जो भी इम्पोर्टेंट है अगर गवर्नमेंट का अर्जेंट है तो भी इसको लिखना नहीं आता, जो सेम टू सेम पैराग्राफ को लिखकर ऑर्डर सबमिटेड, क्या ऑर्डर, उसमें सेक्शन नहीं होता उसका, उनका ओपिनियन नहीं होता, इससे गवर्नमेंट को फायदा है नहीं है, कोई भी कुछ कोर्ट भी नहीं करता और जस्ट ऑर्डर फॉर सबमिटेड, तो इस सारे केसेस को कौन हैंडल कर रहा है, तो कैसे गवर्नमेंट चल रही है, इसीलिए चल रही है क्योंकि एससी आईएएस को थोड़ा तो लिखना पड़ना, तो यूपीएससी इतने इजीली तो सेलेक्ट नहीं करता है ना, यहाँ पे नेगेटिव
ग्रुप टू बोलो तो मेन एग्जाम नहीं होता है, जस्ट प्रीलिम्स में ही पास होते हैं। तो ऐसे लोग जब फाइल में पेन रखना है तो उन लोगों को डर लगता है, ये लोग जाकर SC IAS ऑफिसर का पाँव पकड़ लेते हैं। तो ये सारा काम है, इसीलिए फाइल्स लेते हुए तो गवर्नमेंट ऑफिस में क्यों काम लेट होती है बोले तो इसीलिए। एक पहले इंडिपेंडेंस से पहले पॉलिटिशियंस अनएजुकेटेड होते भी देश चली, क्योंकि वर्किंग क्लास क्लेवर थी, मेरिट में जा रही थी, इसीलिए गवर्नमेंट चली। ब्रिटिशर्स भी इसीलिए वो सक्सेसफुल। कोचिंग सेंटर्स तो हमेशा कुछ ना कुछ खिलवाड़ करते हैं स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनका धंधा हमेशा चलते रहे। तो जितना पोस्टपोन हुआ तो स्टूडेंट्स वहाँ पे उतना स्टे करेंगे, उतना इनका पैसा मिलेगा। दूसरी बात है तो जब 2014 में तेलंगाना न्यूली फॉर्म हुआ तब ग्रुप्स का एक कोचिंग नोटिफिकेशन निकला, उसमें से तब इतने ऑथर्स सामने आए तेलंगाना हिस्ट्री लिखने, तेलंगाना इकोनॉमी लिखने, मैं तो परेशान हो गई। जैसे इतने ऑथर्स को आंध्र प्रदेश के लोगों इतने दिन दबा के रखा, नहीं तो इतना ब्रिलियंस है। तो हर बुक पर KCR का सिग्नेचर, कौन सा प्रोमिनेंट हिस्ट्री है ये किसी को नहीं मालूम। ऐसा होती है बुक्स माफिया का धंधा। तो ये जो भी क्वेश्चंस आते हैं ग्रुप्स का, उसका करेक्शंस में तेलुगु एकेडमी बुक्स का वैलिडिटी लेते हैं। तेलुगु एकेडमी बुक्स इतना जल्दी अपडेट नहीं होते हैं। तो तेलंगाना हिस्ट्री बोल के तेलुगु एकेडमी में जो है वो नहीं, ये लोग दूसरा दूसरा हिस्ट्री लिख रहे हैं, इसका प्रोमिनेंट कौन चेक करेगा। इतना बुक्स आया, एक एक 500 600 700 बोल के इतना, तो बच्चे कन्फ्यूजन हुए। मगर तब क्या हुआ, ये बुक्स में से क्या होती है बुक्स माफिया का? तो बुक्स माफिया लोग ये क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर वाले इन आतर से मिलते हैं, प्रोमिनेंट आतर से और ये कोचिंग सेंटर से कभी कभी क्वेश्चन पेपर फ्रेम करने के लिए बुलाते हैं। मगर ये आतर्स जो नए नए आते हैं, ये लोग ये कोचिंग सेंटर वाले मिलकर एक बुक से 10 क्वेश्चन, एक बुक से 5 क्वेश्चन, एक बुक से 2 क्वेश्चन ऐसा। तो नॉर्मल स्टूडेंट जो इंस्टीट्यूट नहीं गया तो वो कितना बुक्स रेफरेंस करना है, क्या प्रोमिनेंट है हिस्ट्री बुक्स में, जिसको कौन पसंद, किस CM को कौन आतर पसंद आया उसके बुक्स से आते हैं। तो ये सब भी जानना जरूरी होती है। तो ये 60% तो तेलुगु अकाडमी से क्वेश्चंस आते हैं, ये सबको मालूम है। रिमेनिंग 40% में ये बुक माफिया कोचिंग सेंटर वाले मिलकर जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं उनका थोड़ा आइडिया रखती है, उसका सबको ग्रास्प करके ये स्टूडेंट्स को, जो 25% स्टूडेंट्स उसके अपने पास रखे उन लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फ्री में, क्योंकि कोचिंग सेंटर जाने हुआ वो अगर सेलेक्ट हुआ तो इनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो रिमेनिंग 70% ये 50% स्टूडेंट्स हमेशा पढ़ते रहना है, कुछ नया बुक्स खरीदते रहना है, अरे वो पढ़ा तो अच्छा हुआ, ये पढ़ा तो अच्छा हुआ, ऐसे होते हैं बुक्स माफिया का धंधा। पे कोई रियल टैलेंट का हंट नहीं हो रहा, ये सब मिलजुल कर बना रहे हैं। किसी को सर्विस में आना बोले तो ये लोग पैसा देकर पेपर खरीदते हैं, कोई लोग ऐसे बुक्स पढ़ते रहते हैं। होप आप सबको ये बात अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।